अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ और मेरी अल्फ़ा भी ठीक है। से हाय अल्फ़ा, से हाय। हाय हाय। हाँ जी, तो आज हम लोगों का प्लान बन रहा है गांव जाने का। हम लोगों ने गांव जाना है जो कि यहाँ से लाहौर से 6 7 घंटे का तो सफ़र है, तो हमने वो तय करना है। उससे पहले फिर पैकिंग करनी है। आपको पता है पैकिंग करना वैसे इतना हेक्टिक है, 3 बच्चों के साथ माशाल्लाह से इन लोगों के अलग बैग पैक करने हैं, अपने तो वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। तो अब जैसे पहले ये था कि पहले मैं जब जाती थी गांव जाती थी, फिर अपनी मम्मा की तरफ जाती थी, तो बड़ी एक एक्साइटमेंट होती थी कि यार मम्मा की तरफ जाना है और ये वो पैकिंग। अब ना वो पैकिंग करना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो गया। तो आज हमारा प्लान बन रहा है, पैकिंग कर रही हूँ, साथ साथ आपको पैकिंग पैकिंग तो बस पैकिंग होते हुए दिखाऊंगी, ये नहीं कि मैं पैकिंग कैसे कर रही हूँ, और उसके जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलें साथ साथ मेरे रहें और मेरी वीडियो पूरी देखते जाइए क्या क्या कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, तो ये मैं तो पैकिंग करना तो खैर नहीं बता सकी, तो मैंने कहा चलो सैंडविच बना लेती हूँ जल्दी से। तो उसके लिए मैंने चिकन जो है वो बॉईल कर लिया था, अब मैंने निकाला, बहुत गर्म है तो मैं उसको एक एक को करके धो रही हूँ। तो अभी मैंने अलग पीसेस किए, खोल रही हूँ सैंडविच के लिए, सिंपल चीज़ें डाल रही हूँ, गार्लिक सॉस डाली है, केचप डाला है और मायोनीज डाल रही हूँ, और इसके बाद जो है वो भी मैंने अच्छे से मिक्स करके काली मिर्च स्प्रिंकल की, और अब जो है वो मैं ब्रेड के साथ लगा रही हूँ। चिकन का जो है वो अलग से बनाया था, और अभी जो है वो मैं डबल रोटी की फिलिंग कर रही हूँ उसके साथ। एक तरफ जो है चिकन के बनाए थे और कुछ जो है वो फिर मैं अंडे का कर रही हूँ। अंडा मैंने रमल डमल किया और उसका जो है वो बंद गोभी में अंडा डाल के, और उसमें सिर्फ मैंने मायोनीज डाली थी और काली मिर्च डाली थी और कुछ भी नहीं डाला था, और हल्का सा दूध डाल के और उसको मिक्सअप करके, और इसके जो है वो अलग सैंडविचेस बनाए ब्रेड ली और मिक्स करके मैंने चिकन के बना लिए थे और अंडे के बना लिए थे। बच्चे जो हैं वो अंडे के खा लें और चिकन के जो हैं वो अपने लिए और हस्बैंड के लिए कर लिए थे। तो ये सब की जो है वो मैं फिलिंग कर रही हूँ, और चेंज वेंज मैंने कर लिया, तैयार में हो गई थी क्योंकि बस हम लोग निकलने लगे थे। तो उससे पहले मैंने सोचा था चलो जी एक सैंडविचेस बना लेती हूँ, रास्ते में बच्चे तंग करेंगे, उनको कुछ चाहिए होगा तो मैं सैंडविच बना लेती हूँ। तो ये जल्दी में से चीज़ें मुझसे गिर भी रही हैं, लेकिन चलो हो गया ये। फिर अब मैं इसको जो है वो सबको कट कर रही हूँ, सैंडविचेस कट करके अब उनको जो है वो डब्बे में पैक कर रही हूँ। ये जी एक एक करके सारे मैंने पैक कर दिए हैं, और बस उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे, और अब आगे देखें आप लोग। क्या करो, साइकिल तो नहीं लेके जानी हमने? चलो बैठो गाड़ी में, चलो बैठो 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 बैठो। वो देखो गाड़ियाँ, वो देखो एम्बुलेंस जा रही है। मैंने छोड़ दिया है। इसको इसका क्या किया है? नहीं नहीं बदतमीजी नहीं करनी। जैद जैद आप पुलिस अंकल हो? होगी मैं गोल। नो डोंट डू दिस, आपको अचानक पुलिस अंकल बनने का दौरा पड़ जाता है। नो बेबी नो, आप जेड हो, यू आर ओनली जेड। नींद तो नहीं आई ना? आइए
हो गया, चलो सोने दो, क्या हो सकता। किसकी आप कर लो ना, मैं कैसे करूँ। एक जो छी कर लो, जो जो छी कर लो। अरफा आज मैं आपको चेंज करूँ। मैडम आपका तो पेटी में। जी मैडम, जी मैडम, जो जल्दी करो, जल्दी करो। आप ऊपर नहीं, आप बेबी नहीं हो ना, वो छोटे छोटे बेबीज ऊपर बैठ सकते हैं, आप तो बड़े हो गए। हाँ रिलैक्स करो, यहाँ पे मैं नहीं लेके जा रही आपको, यहाँ ही लेटी रहो सारा टाइम। जब देखो हमें तंग कर रही है, पूरे रास्ते तंग कर रही है, नहीं लेके जाते इसको। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको नहीं, नहीं आप बेबी नहीं हो ना, आज रहो इधर बैठो, मैं आपके हाथ में हैंड वॉश करूँ, इधर ऊपर चलो इसको प्रेस करो, इसको प्रेस करो, हाथ एक हाथ नीचे। आज मम्मा इधर आ जाओ, मेरे पापा चलो आ जाओ बैठो इस साइड से, आ जाओ मम्मा। हाँ अभी फिलहाल सलांटी अरफा के लिए कर दो, अरफा को भूख नहीं है। बोलते हैं चलो 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 चलो। अच्छा कौन साफ, वो अच्छा वो आगे ठीक है, चलो जी आओ चलो। पापा झूठ भी, बच्चे पाचीन खाने के बाद, पिज्जा खाने के बाद पाचीन खाएंगे, अभी आओ। हम लोग यहाँ बाहर हैं, अच्छा चलो आप पहले, आप पहले खाना खाते हैं फिर पाचीन खाते हैं, ऐसे नहीं जाते। यस बेबी बू होते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भागो भागो भागो। जैद माँ डॉगी है, भागो यहाँ से, साइड पे साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। वहाँ से डॉगी बोल रहे हैं, उन्होंने हमें देखा, हमें देखा आवाज़ें उनकी आनी शुरू हो गई। हाय पप्पी, नहीं जाना जैद, आगे मत जाओ।
अल्फी, अरफा, जैद, अरफा कौन सा? ना आप तो उसको मार ही देते हो। अरफा, अरफा हाय, अरफा हाय। क्यों बेबी? तो यहाँ हम लोग खाना खाने रुके हैं। सारे जितनी भी सर्विस करी थी सब छोड़ के आए यहाँ चकरी के। हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे, लेकिन जब आए तो यहाँ कुछ था ही नहीं, सब ख़त्म हुआ हुआ। अब राहत में आए, राहत में हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और अब बाहर बैठ के हवा इंजॉय करें। बहुत प्यारी जगह है यहाँ पर और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। से हाय, से हाय। आइंदा यहाँ पे बैठना है। चलो ओके। चलो बेटा, लेट्स हैव अ फूड, लेट्स हैव अ फूड, लवली फूड। बिस्मिल्लाह करें, इधर है, चलो। जी बस हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया, वाइंड अप कर रहे हैं, अब हम चलने लगे हैं और बस अब सीधा इंशाल्लाह वे टू गाँव। तो चलें, चलें मेरे साथ। अच्छा जी, लास्ट डे के बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे। ये हज़ारा मोटरवे है और यहाँ पे जो है वो टनल्स, जो आप लोग ज़रूर जो नहीं गए ज़रूर जाइए, हमारे रास्तों पे घूमें, आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये टनल है, ये जो नई मोटरवे बनी हज़ारा मोटरवे, इसमें जो है वो टनल्स आ रही हैं। ये एबटाबाद की शिमला पहाड़ी वाली जो साइड है उसको कट करके उन्होंने टनल्स बनाई है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी। तो ये टनल से गुजर रहे हैं और ये आ गया जी हमारा गाँव का रास्ता। और कासिम ने बहुत स्पीड दी हुई थी और बस वो कह रहे थे कि जल्दी पहुंचने, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। तो बस ये फिर हमारे गांव का रास्ता है, हम लोग गांव मतलब घर का रास्ता है, हम लोग घर पहुंचने लगे हैं। ये जो है वो बस अभी कासिम जो है वो घर में गाड़ी जो है वो लेके जाएंगे। बहुत खामोशी हो गई थी, रात के 2 बजे का टाइम था जब हम लोग पहुँचे थे, बहुत देर हो गई थी क्योंकि हम लोग घर से ही लेट निकले थे। तो बस यहाँ पर जी अब मैं अब शक्लें दिखाने के नहीं, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, बहुत देर हो गई थी और हाल भी हाल हुए हुए थे। तो अब जो है यहाँ पे मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड करूँगी और नेक्स्ट व्लॉग तक आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा। और तब तक जो है वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और खुश रहिए और बस अपने अल्लाह आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे, मुझे मेरे लिए दुआ करें। और मैं अब अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अब मैं आपसे सबसे ज़्यादा चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़।